नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फ्री बिजनेस हेल्प में आपका। दोस्तों आज ये हमारा चौथा पार्ट है और इसमें हम जो है आपसे 8-10 कंपनियां जो है उनका इंटरव्यू दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे क्या वो कहती हैं और क्यों उनकी फ्रेंचाइजी लें। और इंटरव्यू स्टार्ट करने से सबसे पहले तो अभी हमें चाय सुट्टा पे यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कैसे आपको बिजनेस करना है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों फ्रेंचाइज इंडिया का फ्रेंचाइजी का मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको बेनिफिट ये आता है कि आपको उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है, कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे अपना वर्क करें। दोस्तों पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट आती हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चाय सुट्टा में हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। सर क्या चीज़ है चाय सुट्टा और इसके साथ कैसे जी? सर अपनी USP चाय है, अपना पूरा बेसिकली कैफे मॉडल है लेकिन USP चाय है, 8 से ज़्यादा फ्लेवर की चाय है अपने पास। अपन 2016 से मार्केट में, 4 साल हो जाएंगे जून में जी। और अपन साथ में सैंडविच, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैगी भी प्रोवाइड करते हैं और हम प्योरली मिल्क ही बनाते हैं, बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करते हैं। और कूलर हमारी USP, इसमें हम सर्व करते हैं, 60 ml हमारी क्वांटिटी आती है। ये पूरा सेटअप है सर, और यंगस्टर्स को अपना क्राउड टारगेट मार्केट है। सर सुट्टा साथ में क्यों रखा आपने? सर एक्चुअली सर हमारे यंगस्टर्स में चाय के साथ हम स्मोकिंग करते हैं लेकिन हम इसको प्रोहिबिट करना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, हम बंद करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा है चाय सुट्टा बार। बार इसलिए क्योंकि बार की थीम, डार्क थीम पर हम इसको बनाते हैं, पूरा सेटअप करते हैं इंटीरियर। तो सर अगर प्रोहिबिट करना चाहते हैं तो फिर सुट्टा क्यों डाला? सर एक्चुअली क्राउड से इकट्ठा हो। ओके, हम लेकिन प्रिवाइसिंग हम बिल्कुल स्मोकिंग अलाउ नहीं करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट। ओके सर जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल है सर हमारा 15 लाख का टोटल सेटअप है। ओके, जिसमें अपना फ्रेंचाइजी 6 लाख रुपीज़ है जो 6-5 साल के लिए रहती है, 3 लाख की अपनी मशीन्स है, 2 लाख के रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हम, 50,000 के पेरिशेबल गुड्स हैं, 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 3 लाख का इंटीरियर है, ये अपना पूरा सेटअप है। हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं साथ में, ग्रैंड ओपनिंग में हेल्प करते हैं और अपना प्रॉपर आइडेंटिटी करते हैं तभी हम सेटअप करते हैं। क्या सपोर्ट रहती है सर मार्केटिंग? सर डिजिटल मार्केटिंग हम लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के प्रमोशन करते हैं, फिर लोकल फूड ब्लॉगर्स को हायर करते हैं, वो अपने पेज पे प्रमोशन करते हैं सर। और सर किसी ने फ्रेंचाइजी ली तो उनको आपकी तरफ से क्या ट्रेनिंग मिलेगी या ऐसा कुछ स्टाफ को ट्रेनिंग मिलेगी? स्टाफ की ट्रेनिंग रहती है, 20 days की ट्रेनिंग होती है, उनको सब कुछ सिखाया जाता है, क्लाइंट से कैसे बात करनी, कैश कैसे हैंडल करना, सारी रेसिपीज कैसे प्रिपेयर करनी, मशीन कैसे ऑपरेट करनी, सब कुछ सिखाया जाता है। जब तक वो पूरे ट्रेन नहीं हुआ तब तक पूरा कॉपरेशन रहता है। मशीन वगैरह का सारा सेटअप टोटल कितने में हो जाता है? 3 लाख का सेटअप होता है पूरा, उसमें ओवन, डीप फ्रीजर, POS मशीन, CCTV कैमरा, साउंड सिस्टम, टी और कॉफी मिल्क मशीन आती है। और फ्रेंचाइजी फीस कितनी आई? 6 लाख रुपीज़ है वो 5 ईयर्स के लिए, मतलब टोटल 9 लाख हो गया। टोटल 9 लाख हो गया, बाकी 2 लाख के रॉ मटेरियल्स रहते हैं, 50,000 का आपका पेरिशेबल गुड्स आता है, 50,000 का अपना ओपनिंग बैलेंस होता है, ये अपना सेटअप। सर जैसे कि फ्रेंचाइजीज फूड लाइन में, टी लाइन में काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज आई हुई है तो आपकी फ्रेंचाइजी ही क्यों लें? सर हमारी USP कुल्लड़ है, इसमें सर्व करते हैं, प्योरली मिल्क ही बनाते हैं और हम इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, प्लास्टिक फ्री हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है और हमारे पास मोर देन 9 फ्लेवर्स ऑफ टी है और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सर, और 2016 से हम मार्केट में एस्टेब्लिश है, दुबई में भी हम ओपन होने वाले हैं। यह पूरा इंडिया में कहाँ कहाँ ब्रांच? इंडिया में टोटल 60 आउटलेट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे उसमें साउथ में हम एक्सपांड कर रहे हैं और अभी अंडमान में भी हमारा वर्किंग चल ही रहा है, अंडमान, ओमान और नेपाल में वर्किंग चल रहा है। प्रॉफिट कैसे आएगा सर? प्रॉफिट मार्जिन 50-55% है हर आइटम पे सर, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद। मंथली एवरेज कितना प्रॉफिट आ रहा है? मंथली 4,50,000 अपना सेल है, जिसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन है 1-1,30,000 अपना प्रॉफिट है पूरा, डायरेक्ट प्रॉफिट। और सर मार्केटिंग सपोर्ट का आपने बताया तो इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और साथ में ग्रैंड लोकल एरिया में हमारे जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, लोकल ब्लॉगर्स, उनको हम कॉन्टेक्ट करते हैं और वो पूरा प्रमोशन करते हैं उनके पेज पे। दोस्तों ये है चाय सुट्टा का कंसेप्ट और अगर आपको चाय सुट्टा का कंसेप्ट अच्छा लगता है कमेंट में चाय सुट्टा लिखिए और इसके ऊपर हम पूरा डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस कहाँ है? इंदौर में सर, इंदौर में आप जो मिल सकते हैं हेड ऑफिस में और किसी भी तरह की इंक्वायरी है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो फ्रेंचाइजी है उसमें क्या है और सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो फ्रेंचाइजी है वो है जिमी वॉग, यहाँ पे हम आए हुए हैं, मैम हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मैम क्या कंसेप्ट है और कैसे आपके साथ जुड़ के बिजनेस करें? हमारा जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ द फास्ट फैशन कॉन्सेप्ट, तो इसमें जितनी भी हम लोग मेजरली 10 कैटेगरीज में हम लोग डील करते हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दूँ तो जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टफ टॉयज होते हैं और फुटवेयर है, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, तो मेजरली ये आइटम्स होती है। एंड
एंड इसमें क्या है कि हम लोगों ने स्पेशली एक इंट्रोड्यूस करा है अपना स्मॉलर मॉडल, तो पर्पस भी इस इवेंट में आने का यही था, बिकॉज दिस ईयर ओनली वी हैव स्टार्टेड विद दिस मॉडल वेयर आप अगर एक 500 स्क्वायर फीट में अगर एक छोटा दुकान खोलते हैं तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कुछ अराउंड 25-26 लाख है। हाँ जी, इसके अंदर आपका एक कंप्लीट सेटअप कॉस्ट है इंक्लूडिंग योर स्टॉक, सो आप एक स्टोर इजिली इतने में आप इन्वेस्ट करके यू कैन ओपन अ स्टोर एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन फ्रेंचाइजी। ये जो 25-26 लाख बताया है आपने, ये इसमें फ्रेंचाइजी फीस भी है कुछ या फिर टोटली जो ऑर्डर रहता है? हाँ, इसमें 3 लाख फ्रेंचाइजी फीस है और बाकी सब चीज़ें मोस्टली एट एक्चुअल्स हैं, लाइक यू आर पेइंग फॉर योर फर्नीचर, सिविल वर्क एंड द अदर कंज्यूमेबल्स लाइक इफ यू हैव यू नो इलेक्ट्रिसिटी एंड कैमराज एंड ऑल, तो बाकी सारी चीज़ें एट एक्चुअल्स पे जाती हैं एक्सेप्ट 3 लाख फ्रेंचाइजी फी विच इज़ फॉर 5 ईयर्स। स्टाफ क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? स्टाफ रिक्वायरमेंट इस मॉडल में हम लोगों को बहुत ट्रेंड लोग नहीं चाहिए होते हैं, एक स्टोर मैनेजर एंड उसके अलावा 3-4 एग्जीक्यूटिव्स विच यू कैन ईजिली हैव इट द फ्रेशर्स बेसिकली, जो आपको एक अच्छे मिलते होते हैं ना कॉलेज पास लोग होते हैं, क्योंकि इसमें इतना हमें ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस लोगों की, क्योंकि इसमें नॉर्मली आपको एक स्टॉक रिप्लेनिश करना होता है और एक कस्टमर हैंडलिंग करनी होती है विच ईजिली एनीबडी कैन बी ट्रेंड फॉर द सेम। मैम देखिए 25-26 लाख का जो अमाउंट है ये कोई भी बंदा स्टार्टिंग में लगाने से पहले 4 बार सोचेगा, ठीक है, तो इसके अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करें, और भी बिजनेस मॉडल्स बहुत हैं, आपके साथ ही क्यों जुड़े? देखो इस कॉन्सेप्ट में हमारे कुछ फ्रेंचाइज मतलब कुछ फैक्ट्स हैं विच इफ़ यू कंसिडर, बिकॉज इसमें एक तो ROI आपका 1 ईयर में है, मतलब एक साल में यू गेट दी ROI, ठीक है, फास्ट फैशन प्रोडक्ट है, इम्पल्स बाइंग होता है, तो डेफिनेटली पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू इट्स वेरी हाई, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट में आपको सबसे बड़ी बात है कि प्लांट बाइंग की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ते हो यूजली ऐसा होता है ना कि एक प्लांट बाइंग होती है कि कस्टमर जाता है प्लान करके कि मुझे ये खरीदना है तो वो स्टोर में घुसता है और वो चीज़ लेके आता है, हम लोगों का वेरस क्या है कि इम्पल्स बाइंग है। इम्पल्स बाइंग में क्या होता है कि इवन इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बाई एनी थिंग स्टिल यू बाई थिंग्स, तो एंड आपका टिकट साइज मतलब इसमें एक एवरेज जो हम लोगों का होता है, बिकॉज प्रोडक्ट्स एक तो बहुत चीप रेट पे होते हैं, चीप इन द सेंस कि रीजनेबल होते हैं विच इज़ पॉकेट फ्रेंडली, आप एक 50 रुपीज से लेकर 1500 के बीच में यू हैव सो मच ऑफ वैरायटी टू बी परचेस्ड, मतलब 2000 से ज़्यादा वैरायटी होती है हम लोगों के स्टोर्स में डिस्प्ले करने के लिए, जिसके अंदर हम लोग ऑल एज ग्रुप को केटर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 ईयर टू 60 ईयर्स वी हैव समथिंग और द ईयर्स टू यू नो बाय फ्रॉम द स्टोर, तो डेफिनेटली इसमें हम लोगों का हाई कन्वर्जन रेट है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट्स। एंड आज की डेट में अगर इस कॉन्सेप्ट में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर कॉम्पिटिशन विच वी हैव इन द मार्केट, दिस स्मॉलर मॉडल विच वी हैव स्पेशली इंट्रोड्यूस, उसमें हम लोगों का कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट लो है, तो डेफिनेटली एक लो इन्वेस्टमेंट में एक हाई पे बैक अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली वाई नॉट टू गो विद इट। हेड ऑफिस कहाँ पे है मैम? हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है। अभी कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज अपनी चल रही हैं और कहाँ की प्लानिंग आगे? ब्रांचेज मतलब स्टोर्स हमारे, स्टोर्स हमारे पैन इंडिया लेवल पे हमारे 60+ स्टोर्स हैं, और एंटायरली हम लोग सारे रीजन्स कवर किए हुए हैं, वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट एवरीवेयर वी हैव आवर प्रेजेंस नाउ। कोई भी लोकल एरिया में अगर स्टोर करता है तो उसको वहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट भी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए, तो उसमें आपकी क्या सपोर्ट? तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ब्रांड अवेयरनेस डेफिनेटली कंपनी करती है, वी हैव आर ओन वेबसाइट्स, अपने फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, कैंपिंग रन करते हैं, तो बेसिकली एक ओवरऑल जो ब्रांड अवेयरनेस होती है दैट वी डू इट, एंड जो लोकल मार्केटिंग होती है दैट वी सपोर्ट आर फ्रेंचाइजी टू स्टार्ट विद, लाइक आपको लोकल लीफलेट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वी प्रोवाइड द क्रिएटिव्स एंड देन दे कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट लोकली। प्रॉफिट क्या रहेगा? प्रॉफिट मार्जिन हमारा 38%। और ऑन एन एवरेज मान लीजिए सेल कितनी आती है? सेल डिपेंड करता है, बिकॉज एवरी स्टोर हैज़ अ डिफरेंट कैचमेंट, आप किस एरिया में खोल रहे हो, मिनिमम हमारी 10 से 12 लाख तक होती है, मैक्सिमम हमारी 65 लाख तक भी जाती है सेल, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स वेयर वी आर ओपनिंग अ स्टोर, हाउ मच रेंटल वी आर पेइंग, हाउ बिग अ स्टोर इज, सो दैट सेल डिपेंड्स ऑन दैट। तो दिल्ली में अगर आपसे मिलना हो तो दिल्ली में ही, जैसे कोई कस्टमर आके मिलना चाहते हैं तो आपसे दिल्ली में ही मिलेंगे? ओके, क्या नाम मैडम? दिल्ली में मेरा नाम ईशा है।
तो ईशा जी के साथ हमने बात की और क्या कहना। हाँ, मैं आपको ये बोलती, दिल्ली में हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज़ इन वेस्ट दिल्ली, और जिसमें हमारी मार्केटिंग टीम बैठती है, तो बेसिकली वेस्ट दिल्ली में है, मोती नगर इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ, DLF बिल्डिंग्स में है, तो उस वहाँ हमारी मार्केटिंग टीम है, जहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन टीम भी बैठती है, और हमारी मेजर टीम जो है वो जयपुर में बैठती है, जहाँ पे हमारा वेयर हाउस भी है, और वहाँ पे हमारा वेयर हाउस एंड HR एंड द पीपल 400+ पीपल वर्क देयर। दोस्तों ये था मैडम के साथ, ईशा मैडम के साथ हमने इंटरव्यू किया और जानना कि कैसे आप जो ब्रांड के साथ जुड़ के वर्क कर सकते हैं, कैसे अपनी इनकम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, या फिर मैडम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए, और अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगता है तो कमेंट में बिज़नेस आइडियाज़ का नाम लिख दीजिए, हम इसके ऊपर प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेंड चीज जो है उसमें क्या है। दोस्तों नेक्स्ट जो फ्रेंचाइजी है वो है चाय शाय बार, तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है चाय से रिलेटेड कुछ है। ये पंजाबी नेम है एक्चुअली, चाय शाय जैसे अपन हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं, मैं खुद एक पंजाबी लड़का हूँ और पंजाबी में हम जो चाय शाय बोलते हैं उसका है। हमारे पास 15 से 20 प्रकार की चाय हैं और 15 से 20 प्रकार की कॉफ़ीज़ हैं, एंड उसके बाद हमारे पास बेवरेजेस में बहुत सारा है, इसके साथ हमारा फूड में है, और मेन जो हमारा प्लस पॉइंट है वो है रेट्स। 10 रुपीज़ से चाय चालू है, 30 रुपये से सैंडविच चालू है, 30 रुपये से मैगीज चालू है। रेट के कारण पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है 10 से 12 लाख रुपये में हम अपना आउटलेट तैयार कर देते हैं, जिसमें फ्रेंचाइजी फीस इंक्लूडेड है, एंड पूरा सपोर्ट रहता है कंपनी का फॉर टेस्ट, फॉर क्वालिटी, फॉर एवरीथिंग, फॉर आपको जो लोकल परचेसिंग से लेके सब कुछ। सर जो आपने बताया 10 से 12 लाख में सारा सेटअप हो जाता है, जो सेटअप है वो आप करवा के देते हैं? जी हाँ, पूरा हम सेटअप करवा के देते हैं, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, इंटीरियर्स आप भी चाहें आप भी करा सकते हैं, बस फ्रेंचाइजी फीस आपको पे करनी रहती है, बाकी आप चाहें तो आप खुद अपने लोकल वेंडर्स से आप वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इंटीरियर्स कर सकते हैं वो करा सकते हैं, बट हमारा जो इंटीरियर्स है वो एक ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सर, ये कहाँ का ऑफिस है आपका? जबलपुर का मेन ऑफिस। अच्छा, आपका हेड आउटलेट है? यस, जबलपुर हो गया मध्य प्रदेश। यस, जबलपुर मध्य प्रदेश पे है हमारा आउटलेट, हमारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आउटलेट है, रतलाम मध्य प्रदेश में आउटलेट है। ओके, तो सर अभी जो इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा? और प्रॉफिट जो है इसका 35-40% का रहता है, एंड उसके बाद जो भी है चाय सैंडविच मैगी से हम पूरा इसमें पूरा रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं। स्टाफ कितना रखना पड़ेगा? सर 4 से 5 लोगों का स्टाफ रहता है, जो कि कंपनी ट्रेन कर दी है। सबको ट्रेनिंग कंपनी? जी, कंपनी ट्रेन्ड रहते हैं पूरे। जो ओनर हैं उनका क्या काम रहेगा, उनको वहाँ पे बैठने की जरूरत है या नहीं? सर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरा हमारा लोकल वहाँ पे इंटरनेट से हमारे मोबाइल्स पे आपको पूरे सेल्स आपको वहाँ पे मिलेगा, एंड पूरा आपको जो कंपनी का पॉज मशीन रहती है उससे पूरा आपको लोकल में कहीं पे भी आप पूरे देश में कहीं रहें आपको नेट पे आपको आपकी सेल्स आपको बराबर मिलती रहती है। लोकेशन आप सिलेक्ट करने में मदद करते हैं या? बिल्कुल मदद करते हैं, ज़्यादातर हम वैसे भी स्टूडेंट क्राउड या फिर यूथ को हम टारगेट करते हैं, एंड उसके बाद जो भी क्राउडेड एरिया होता है उस पर ही हम टारगेट करते हैं। सर एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाता है सर मंथली? सर अगर अपन जैसे 12,000 की जैसे एवरेज डेली सेल करते हैं, उस हिसाब से 1,30,000 रुपये मंथ का आप कमाते हैं। मतलब 1,20,000 रुपये 30,000 रुपये सेल है या ये क्या है? इट्स अ प्रॉफिट इन अ एवरेज सेल ऑफ 12,000 पर मंथ पर डे। सर लोकल मार्केटिंग में आपकी तरफ से क्या हेल्प मिल? लोकल मार्केटिंग में आपको जो भी वहाँ पे लोकल वेंडर्स रहते हैं उनसे पूरा आपको प्रोवाइड करवाते हैं, कुल्लड़ चाय पत्ती वगैरह हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। चाय पत्ती आपकी रहती है? जी हाँ, चाय पत्ती हमारी खुद की रहती है। दोस्तों ये था सर का इंटरव्यू, और अगर आपको चाय शाय बार, सर एक बात बताइए बार मतलब क्या, कुछ पीने वीने का भी मिलेगा? नहीं सर, इसमें पीने का नहीं है सर, हमारे पास कॉफ़ीज़ में एक्चुअली बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और वो नॉन अल्कोहलिक 100% में, जैसे आप देखेंगे बियर कॉफ़ी, रेड वाइट कॉफ़ी, ब्रांडी कॉफ़ी, वोडका कॉफ़ी, विस्की कॉफ़ी, रम कॉफ़ी, एंड हायरिश हेज़लनट कैरमल। जैसा कि आपने बोला कि कॉफ़ी में बंदा आया कॉफ़ी पीने के लिए, और आपके ये सारे ब्रांड जैसे कि हैं बियर हो गया, रेड वाइन, ब्रांडी, ये सारे सोच के तो बंदा फिर
चाय छोड़ के ठेके की तरफ ज्यादा जाना पसंद करेगा ना? बिल्कुल नहीं सर, हमारे को ठेका ही तो छुड़वाना है, इसलिए तो चाय कॉफी में इसमें आए हैं सर हम। चाय में मिला के दे रहे हैं आप? सर चाय में नहीं सर, कॉफी में है सर। चाय में बहुत सारे हैं, इलायची है, उसके बाद कोकोनट है, वैनिला है, रोज है, एंड कॉफी में क्या है? कॉफी में सर है बियर कॉफी है, रेड वाइन कॉफी है, आयरिश कॉफी है। क्या उसमें रेड वाइन होती है? रेड वाइन नहीं होती है सर, ओनली फ्लेवर होता है। तो दोस्तों ये था सर के साथ इंटरव्यू, और अगर आप सर का नंबर लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप सर से बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी है आप पूछ सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है तो चाय शाय बार कमेंट कीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो फ्रेंचाइजी है उसमें क्या है। दोस्तों नेक्स्ट जो फ्रेंचाइजी वो है, उसका नाम है इनका। अब इनका मतलब कंपनी का नाम है इनका। सर का हम इंटरव्यू करेंगे। सर बताइए क्या ब्रांड है और इसके साथ में कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा नाम बलराम जिंदल है और मैं डायरेक्टर हूँ इनका में। इनका के नाम पे हमारा एक ब्रांड भी है जी। और हमारे ब्रांड में होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये सब प्रोडक्ट्स हैंड ब्लॉक प्रिंटेड हैं, हैंडमेड हैं, हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। और इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारी दिल्ली में है, हमारी खुद की फैक्ट्री है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और हम इन प्रोडक्ट्स को पिछले 12 साल से ओवरसीज बेच रहे हैं, लगभग 15 कंट्री हमारे अपने ऑफिस हैं। हमारे एजेंट्स हैं जो हमारे लिए वहाँ पर मार्केटिंग करते हैं। अब हम ये काफ़ी टाइम से अब इंडिया में भी हम अपना माल बेचना चाह रहे हैं। तो अभी फ्रेंचाइजी मॉडल आपने लॉन्च किया है या क्या, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है? हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है। हम चाहते हैं एक्सक्लूसिव शोरूम खोलना, कोई ऐसे लोग जो इन्वेस्टर हैं और वो चाहते हैं एक्सक्लूसिव स्टोर खोलना तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम उनको एक्सक्लूसिविटी देंगे। काफ़ी कुशंस वगैरह, चादर वगैरह आपने रखी हुई है, तो ये चादर है क्या है? ये दोहर है, ये दोहर है। और ये कछुआ, ये एक सॉफ्ट टॉय है, जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट। टॉयस वगैरह भी आप बनाते हैं? हाँ जी हाँ। कुशंस वगैरह, ये सारे कुशंस हैं। ये बेड कवर हो गया। ओके। ये क्विल्ट है नीचे। ओके। ये बेड शीट है दोनों। ये थ्रो है, कॉटन थ्रो है। ये प्रोडक्ट है, इनके अलावा और भी ये हमारे पास, ये बेडिंग कैटेगरी के हैं, यहाँ मैं सिर्फ बेडिंग लेके आया हूँ। इन बेडिंग के अलावा यहाँ पे और 9 कलेक्शंस है हमारे पास, जो हमारे पास ये सारी 9 कलेक्शंस हैं। इन 9 कलेक्शन में प्रोडक्ट सेम है, डिज़ाइन और कलर डिफरेंट है। और स्टार्टिंग में जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर जो ऑलरेडी इस लाइन से हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके साथ कैसे जुड़े? हमारा हम इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा फ्लेक्सिबल है। हम कोई ऐसा हमारी तरफ फिक्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा 9 कलेक्शन में से 5 से स्टार्ट करना चाहता है तो हम उसके लिए ओपन है, चलो 5 से स्टार्ट कर लो, जैसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम बाद में 4 कलेक्शन ऐड की जा सकती हैं। और ये जो फैब्रिक यूज़ करते हैं कौन सा फैब्रिक? ये 100% कॉटन है और हाँ गारंटेड कॉटन है। दोस्तों ये जो है इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया आपने रखा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट पे कोई स्लैब ऐसा कुछ बनाए? मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 लाख रुपए मिनिमम बंदा लगाए और 30 लाख रुपए में हमारी सारी कलेक्शन, सारे प्रोडक्ट्स, सारे साइज़ मिल जाएंगे। तो मार्केटिंग में आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहती है? हम मार्केटिंग में उनको प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बैनर्स और एड्स प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स के लिए क्या है? कस्टमर के लिए फ्री गिफ्ट्स हैं, अगर कोई इनॉग्रल डिस्काउंट, कोई ऐसे इनॉग्रेशन हो रहा है वहाँ पे अगर किसी को फ्री गिफ्ट देने हैं तो फ्री गिफ्ट हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। हेड ऑफिस कहाँ है सर? हमारा दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में। तो दोस्तों दिल्ली में सर का ऑफिस है, और अगर आप मिलना चाहते हैं तो सर से डायरेक्ट मिल सकते हैं। ऑफिस का जो सर का कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में भी कोई ज़्यादा नहीं है, और जाहिर सी बात है आप अगर क्लोथिंग लाइन में आ रहे हैं तो इसमें नुकसान होने का चांसेस तो होता ही नहीं है, बहुत कम, मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि इस लाइन में किसी को नुकसान हो। डिपेंड करता है आप कितना फास्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जितना फास्ट करेंगे उतना प्रॉफिट भी आपका अच्छा रहेगा। और सर के साथ में सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए, और सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है पहले आप अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लीजिए, उसके बाद में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए। फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, दिल्ली में फैक्ट्री भी दिल्ली में। हाँ जी। तो दोस्तों दिल्ली में फैक्ट्री है, वहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं। और ये था हमारा जो चौथा पार्ट है उसका लास्ट, ये जो हमारा इंटरव्यू है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया नई सरकारी योजना के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।